हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉय। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आऊं। जैसे कि आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज आप लोगों को मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला हूं जिसकी मदद से आप शेप में आप अपने कोलार्स को डिजाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली सिंगल क्लिक में। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है और कैसे आप इसमें अपनी फोटो के साथ कोलार्ज बना सकते हैं किसी भी शेप में। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई अगर बर्थडे के लिए अगर आपके पास कोई बनाने आता है तो आपको बोलता है कि मुझे एक शेप में बना दो, जैसे कि नंबर वन, नंबर टू या किसी भी शेप में आपको अपनी फोटो को इंक्लूड करके आपको एक कोलार्ज बनाना है। तो ये जिसके पास स्टूडियो है या तो फिर लैब है तो उन सब के पास इस टाइप का काम ज्यादा आता है। तो आई होप आप लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल हो। जैसे आपके पास कोई स्टूडियो नहीं है, आप आउटडोर काम करते हैं तो इसकी मदद से आप भी अमाउंट कमा सकते हैं लोगों के कोलार्ज को डिजाइन करके, या फिर अगर आपको खुद का डिजाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ईजी रहेगा हर एक चीज। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने वीडियो की तरफ। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बाय करने हैं, जो स्क्रीन में आपको इस वक्त नंबर दिखाई दे रहा है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप इस नंबर को कॉपी करें और मेरे से आप बात कर सकते हैं किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए। तो गाइस मैं अपने पुराने यूजर को कुछ बताना चाहता हूं, जो मेरे ओल्ड यूजर है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ मेरा चैनल पहले से ही। तो बहुत सारे यूजर ने बेल आइकन को नहीं दबाया सब्सक्राइब करने के टाइम पे, तो इससे होता यह कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नहीं पहुंचती है। और बहुत सारे लोगों ने दबा रखा है, जिन्होंने दबा रखा है वो लोग तो मेरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है उन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो प्लीज एक बार आप मेरे चैनल पर फिर से विजिट करें और आप चेक करें कि अगर आपने सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जो आता है वो दबाया कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ आप उसको दबा लें, अगर दबा दिया है तो बिल्कुल ओके है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आने वाले टाइम पे अभी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे सब्सक्राइब होता है, कैसे बेल आइकन होता है। तो गाइस वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं सबसे पहले अपना चैनल को ओपन करूंगा। तो यहां पे मैंने अपना चैनल ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, यहां पे आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कि जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हो वो यही वाली वीडियो है, ठीक है। मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके रखा हुआ किसी और आईडी से और यहाँ पे मेरा ये वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी पॉज करके रखा हुआ है। तो मेरे चैनल पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एरिया मिलता है। इस डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको यहाँ पे शो मोर मिलता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है ये दबा लें, ठीक है। जो भी मेरे नए यूज़र हैं या फिर जो पुराने यूज़र हैं तो यहाँ पे बेल आइकन जो आता है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ऑल का, तो यहाँ पे आप ऑल दबा लें। तो मेरे नए यूज़र प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और जो मेरे पुराने यूज़र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे वो चेक कर लें कि बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें आप, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं डाउनलोड की तरफ, तो जैसे कि यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पे शो मोर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से आपको मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा कि मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा सोशल मीडिया का सारा लिंक, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ फॉलो मी, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करके आप देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसी है। और यहाँ पे मेरा एक दूसरा चैनल का लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं तो इस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करना है आपको, विजिट करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड लिंक लिखा हुआ आएगा आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड लिंक, आपके पास यहाँ पे एक लिंक है तो ऐसे ही लिंक आएगा। यहाँ पे आपके पास विंडोज 32 बिट और 64 बिट का लिंक आएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप फाइल को एक्सटेंड करेंगे, अगर वो फाइल एक्सटेंड नहीं हो रही है, आपके पास एरर आ रहा है अचीव नॉट फाउंड या तो डैमेज का, तो यहाँ से आप विंडोज को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मेन डाउनलोड अभी अपना यहाँ पे है। मान लेते हैं कि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ वो आपको लिंक यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे ही, ठीक है। जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक करना है। ये मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरी इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ही वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटी रॉय लिखा आ रहा है और यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए बटन है। यहाँ पे अगर दबाते हैं बटन तो यहाँ पे आपसे ईमेल पूछेगा, ईमेल डाल के आप यहाँ पे ये जो गेट नोटिफिकेशन है इसको दबा देंगे तो इससे होगा ये। जैसे मैं आप पोस्ट करूंगा कोई भी पोस्ट अपने वेबसाइट पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो यही वाला वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दिखाई देगा, इधर बीच में उसका यहाँ पे नाम दिखाई देगा और ये मैंने कब पोस्ट करी यहाँ पे वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा इधर, उसके बाद यहाँ पे उसका वीडियो दिखाई देगा और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डाउनलोड लिंक। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये गूगल ड्राइव की वेबसाइट है, आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा के डाउनलोड करना है,
बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने डाउनलोड करने का तरीका। तो ये तो था डाउनलोड करने का तरीका, और मैंने आपको सब्सक्राइब भी बता दिया और बेल आइकन भी बता दिया है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन एक बार चेक करके प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लें आप, ठीक है। और जो मेरा चैनल नया सब्सक्राइब कर रहा है प्लीज़ बेल आइकन आप भी जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। तो गाइस इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे फोल्डर रखा हुआ है कोलाज शेप के नाम से है, शेप कोलाज 3.1 के नाम से है। तो आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास कौन सी फाइल आएगी मैं आपको बताता हूँ। इसको जस्ट डबल क्लिक करना, ये सिर्फ 13 MB की फाइल है, ये सिर्फ 12.5 MB की फाइल है जिसको आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। मैंने अभी फोल्डर ओपन किया तो फोल्डर में आप देख सकते हैं कि ये तो वो थंबनेल है जो कि आपने इसी वीडियो के थंबनेल में देख लिया था। तो यहाँ पे ये वाली विंडार की फाइल है जो कि आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास भी एक ऐसा विंडार की फाइल आएगी, जस्ट आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस विंडार के अंदर आपको दिखाई देगा एक क्रैक नाम से फोल्डर है और एक exe फाइल है, जिस exe फाइल का नाम लिखा हुआ है शेप कोलाज 3.1 setup.exe। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक्सट्रैक्ट टू दबाना है। एक्सट्रैक्ट टू दबाने के बाद आप अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट करके आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद आप देखें कि आपका विंडार एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप विंडार के डैशबोर्ड को क्लोज करें। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही छोटा है, बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अगर विंडार जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, विंडार डैमेज बताता है या तो फिर अचीव नॉट फाउंड बताता है, तो उस सिचुएशन में आप अपने कंप्यूटर के विंडार को अपडेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपडेट करने के लिए मैं आपको विंडार 32 बिट और विंडार 64 बिट दोनों का ही लिंक आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ 2 MB की फाइल है, जस्ट क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके सामने एक फोल्डर आएगा, जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर आ गया। जस्ट इस फोल्डर पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो फाइल दिखाई देगी, एक तो exe फाइल है और एक उसका क्रैक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इसमें एंटीवायरस ऑफ रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, और एंटीवायरस ऑफ रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास ये सेटअप की फाइल है जो इस वक्त मैं मूव कर रहा हूँ, आप इस फाइल को जस्ट डबल क्लिक करें इंस्टॉल करने के लिए। जैसे आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो आपसे येस और नो कुछ पूछ सकता है, तो आप उसको येस करेंगे सिक्योरिटी के लिए। येस करने के बाद आपके पास ये छोटा सा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो आप इस यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज है यहाँ पे, तो हम लोग नॉर्मली इसको इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश करने के बाद इसको ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा, ये इंस्टॉलेशन का डैशबोर्ड है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको उसको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना, जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल दबाना है। तो आप देखें कि ये अपनी फाइलें इंस्टॉल कर रहा है। जैसे आपका ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद मैं आपको बता दूँ कैसे रन करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हम लोग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है रन शेप कोलाज 3.1। तो अगर आपका यहाँ पर क्लिक रहता है इस बॉक्स में और आप यहाँ पर फिनिश कर देते हैं तो ये फिनिश होने के बाद आपका कोलाज को वो ओपन कर देगा, यानी जो कोलाज का सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर देगा। तो अभी हम लोग को ओपन नहीं करना है, इसको अभी रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग इस बटन को दबाते हैं, अनचेक कर देंगे। अनचेक हो गया, अब हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया है। फिनिश करने के बाद आप डेस्कटॉप में देखें कि आपके पास एक आइकन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जिससे कि हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो ये आइकन आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए जो आपने एक्सट्रैक्ट करा था, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपका ये क्रैक वाला फोल्डर था इसके अंदर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आपको एक exe और दिखाई देगी, इसी exe के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने इस डैशबोर्ड को कर देंगे बंद। उसके बाद जो आपने इंस्टॉल किया था, जो आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन आया था, उस आइकन के ऊपर जाएंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे आप ओपन फाइल लोकेशन पे। मेरा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, हो सकता है आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ कहीं पे भी आ सकता है। तो आप अपना ढूंढेंगे और उसको क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फोल्डर खुल जाएगा। ये वो फोल्डर है जिस फोल्डर में ये इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे जो आपने फाइल कॉपी करी थी क्रैक फोल्डर के अंदर से, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, तो पेस्ट क्लिक करने के बाद आपके पास ये रिप्लेस के लिए आएगा। तो उसको रिप्लेस दबा देंगे। उसके बाद आपके पास कंटिन्यू पूछेगा तो कंटिन्यू कर देंगे। बस आपको इतना ही काम करना है। इतने काम करने के बाद आपकी जो फाइल है, सॉरी जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो रजिस्टर हो जाएगा पूरा फुल्ली। आप उसमें काम कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे काम करना है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। जो ये मेरा डेस्कटॉप पे आइकन आया था, इस आइकन पे मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा छोटा सा दिखाई देगा इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो चुका है। तो आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ ड्रैग योर फोटो हेयर, यहाँ पर लिखा हुआ ऐड फोटो एंड क्लिक क्रिएट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले फोटो ऐड करनी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोटो ऐड कर लेते हैं। फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस का निशान बना हुआ है। इस निशान को आप प्रेस करेंगे। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये छोटा सा डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपसे लोकेशन पूछ रहा है फोटो का। तो जहाँ पे भी आपने अपनी फोटो रखी है आप यहाँ पे डालेंगे। तो आप मैक्सिमम जितनी ज़्यादा फोटो डाल सकते हैं वो डालें आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास एक डेमो का फोल्डर है,
मैं डेमो को फोल्डर पर जा रहा हूँ, अपनी सारी फोटो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे शेप में बनाना है ना, कोलाज बनाना है, तो आपकी सारी फोटोएँ होनी चाहिए। आज ऐसा नहीं कि आपके पास अगर पांच फोटो तो पांच फोटो से आप कोलाज बनाएंगे, डेफिनेटली बन तो जाएगा ही, लेकिन इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। जितना ज़्यादा फोटो आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लुक लाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कुछ 250 फोटो है, तो 250 फोटो को मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो आप यहाँ पर देखें कि मेरी सारी फोटो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी फोटो है यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 288 फोटो मैंने सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पर सारी की सारी फोटो आ गई है। अगर आप कोई फोटो रिमूव करना चाहते हैं तो बस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रिमूव फोटो का ऑप्शन आ जाता है। फोटो को अगर आपको रोटेट करना है राइट और लेफ्ट, वो भी आ जाता है फोटो में। अगर आपको और फोटो ऐड करनी है तो ऐड फोटो कर सकते हैं, ऐड फोल्डर ऐड कर सकते हैं, फोटो फ्रॉम वेब भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट से फोटो उठाएं तो वो भी उठा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे फोटो हम लोग की आ गई है। अगर आपको सारी फोटो रिमूव करनी है तो यहाँ पे क्लियर बटन लिखा हुआ है, क्लियर लिस्ट, आप इसको दबाएंगे तो सारी फोटो आपकी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे ग्लोबर का निशान बना हुआ है, यह आपका इंटरनेट से फोटो उठाने के लिए आ गया। तो ये सेक्शन हम लोग का फिनिश हो गया है फोटो वाला। उसके बाद आता है हम लोग स्टेटस में। स्टेटस में हम लोग के पास यहाँ पे अभी दिखा रहा है ऐड फोटो एंड क्लिक क्रिएट। तो हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले हम लोग को शेप डिसाइड करना पड़ेगा। तो शेप के लिए हम लोग चलते हैं इस वाले पैनल पे, इस साइड वाले में। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कस्टम शेप लिखा हुआ है, शेप कोई भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड। अगर आप जेड करेंगे तो जेड के नाम से यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप ए करेंगे, कोई भी आप साइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, यहाँ पे आप जेड कर रहे हैं, मैं जेड की जगह कर देता हूँ जैसे कि बी, ये मैंने बी कर दिया। बी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्रिएट दबाता हूँ तो आपका जो कोलार्ज है वो बी में बनेगा। यहाँ पर मैंने क्लियर किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोलार्ज यहाँ पर बी में रेडी हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। ये उसके काम आएगा, जैसे कि मान लो किसी का कोई बर्थडे है, किसी का मान लो कि बच्चा है, बेबी है, उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करते हैं। तो वही पिक्चर आप उनसे लो, आप एक नंबर वन पे आप कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं नंबर वन कर रहा हूँ, बच्चे का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है, तो मैंने यहाँ पर वन कर दिया। वन करने के बाद यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट किया तो आप यहाँ देखोगे कि वन में ही आपकी उसकी सारी फोटो आ गई। यहाँ पे मैंने 288 फोटो ली थी, तो बहुत ज़्यादा फोटो यहाँ पे आ गई है, तो उसके लिए मुझे कम फोटो लेनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो ये मेरा शेप है बहुत छोटी शेप है, इसलिए उसने ज़्यादा फोटो डाल दी है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मान लेते 100 फोटो लेता हूँ तो 100 फोटो से ज़्यादा अच्छा दिख सकता है ये। ये होने के बाद आप इसको सेव करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लुक दे सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे चलते हैं हम लोग इस सेक्शन में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट से अगर आपको करना है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई शेप डालनी है आपको, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मोर पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मोर, चलो ये सेक्शन में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले नीचे चलते हैं। यहाँ पर आ जाता है साइज़। यहाँ पर आपका सारी चीज़ें साइज़ का है कि आपको क्या साइज़ का कोलाज बनाना है। अगर ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ले लेगा, तो आपको ऑटो नहीं करना, यहाँ पे आपको अपना साइज़ देना। जैसे कि 12-18 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि 18 कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने हाइट कर दी 12, ये कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने साइज़ कर दिया 12-18 का। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल है, रेजुलेशन है, तो यहाँ पर रेजुलेशन मुझे अभी दबाने नहीं दे रहा, तो यहाँ पर हम लोग मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल दबाएंगे तो यहाँ पर रेजुलेशन आ गया है अब मेरा। यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से इंचेस ले लेंगे। इंचेस लेने के बाद रेजुलेशन में 300 ले लेते हैं, ये मैंने 300 ले लिया है इंचेस के अंदर ही, ठीक है। या तो फिर हम लोग 250 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 250 कर दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको ऑल पिक्चर्स लगानी है, कि कितनी पिक्चर की क्वांटिटी आपको लगानी है। मान लेते हैं कि इस एरिया में आपने 500 फोटो ऐड कर दी। अब जैसे कि नंबर वन मैंने शेप लिया था, इस शेप के अंदर मेरी ये पूरी 288 फोटो लग गई है, बहुत ज़्यादा हिचपिच दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 100 ही फोटो से ये बनाना था, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो साइज़ था मेरा, साइज़ मैं यहाँ पे 12-18 की जगह 18-12 कर देता हूँ, 12 कर दिया, और यहाँ पर लंबा कर देते हैं जिससे कि हम लोग का ये बन जाए, ये मैंने कर दिया है। अब इसको मैं एक बार क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट किया। अब की बार देखो कि अब फोटो की क्वान्टिटी कम हुई तो ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इतनी कम भी नहीं करनी है कि आपका बहुत बेकार दिखे फिर, ठीक है। ये तो हो गया, ये अभी 12-18 साइज़ बना है इसका, ये आपका 250 रेजुलेशन के हिसाब से बना है, ठीक है, ये हो गया। उसको यहाँ पे एक है, ये फोटो स्पेसिंग है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो से दूसरे फोटो में कितना स्पेस रखना है, तो 67% है। आप इसको मैनुअल चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे चलते हैं अब हम लोग। यहाँ पे मैं जिसके शेप था ये वन दिया हुआ था, तो वन से आ गया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से चलेंगे, जैसे क्या चीज़ है, इसको मैंने क्लिक किया और क्रिएट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगल जो भी आपका पेज का साइज था, पूरे पेज में आपकी इमेज आ गई है। अगर आपको इसको और कम करना है तो यहाँ से जो फोटो की क्वांटिटी थी, मान लेते हैं हम लोग 10 फोटो के साथ ही बनाना चाहते हैं, ये मैंने किया और क्रिएट कर दिया, तो ये 10 फोटो का कोलाज आपके सामने यहाँ पर रेडी हो गया है,
ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 50 फोटो कर देते हैं, ये लोग 50 कर दिया मैंने और यहाँ पे क्रिएट दबा दिया, तो यहाँ पे 50 फोटो का क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे गाइड्स पे कर देता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का जो क्लासिक डिज़ाइन होता है ये बन गया। यहाँ पे ये 50 फोटो है, अगर मैं यहाँ पे 100 फोटो कर देता हूँ मान लेते हैं और क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये 100 फोटो का कोलाज यहाँ पे उसने रेडी कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जैसे कि मान लेते हैं 15 फोटो का करता हूँ, 15 फोटो क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक किया, तो 15 फोटो का कोलाज ये आ गया। इसका जो बीच का स्पेसिंग है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, मैंने कम कर दिया और फिर से मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। मतलब सिंगल क्लिक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, सब चीज़ ईजी है। उसके बाद चलते हैं शेप में, यहाँ हर्ट्स दिया हुआ, हर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 फोटो ही सिलेक्ट करी थी, तो मेरा हार्ट ऐसा बना है। 15 फोटो की जगह पे मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ 100 फोटो और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 100 फोटो का कोलाज मेरा हार्ट बन गया, जो कि आपको मेरे इस वीडियो के थंबनेल में दिखाई दे गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आ गया आपका पास, ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं वैसे एक बार क्लिक करके, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये सर्कल में आ गया है या टेक्स्ट तो आपने देख लिया। उसके बाद ये आ गया मोर, इस मोर से हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने छोटा सा डैशबोर्ड खुल जाएगा। यह कस्टम आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है यहाँ पे, ये ब्रश ले लिया, ब्रश लेने के बाद ये ब्रश का साइज़ हो गया। आपको कुछ भी बनाना है, अगर जैसे कि मान लेते हैं कोई भी डिज़ाइन बनाना है, मान लेते हैं आपको जैसे कि ये मैंने डिज़ाइन बना लिया, ये हार्ट बना लिया, ठीक है, मैं पूरा फिल नहीं कर रहा हूँ उसको, ये मैंने हार्ट बना लिया और बस ऐसे बना लिया, इसको डन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा ये, अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो आप देखेंगे कि उसी टाइप का डिज़ाइन बन गया, जो आप फिल करेंगे उसी टाइप का बन जाएगा। मैं एक बार और फिर से यहाँ पर मोर पर जा रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ कस्टम डालना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर रीसेट का बटन दिया हुआ है, रीसेट दबाएंगे तो यहाँ पर यस कर देते हैं, तो ये ब्लैंक हो गया। कस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कस्टम को दबाओगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी शेप आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ शेप है, जैसे कि यहाँ से कोई भी शेप आप ले सकते हो, ये मून वाला शेप है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है, डन कर दिया मैंने। यहाँ पे क्रिएट दबा देंगे तो ये यहाँ पे 100 फोटो से, यहाँ पे 100 फोटो की क्वांटिटी थी, 100 फोटो से उसने मेरा मून बना दिया, ठीक है। अगर मुझे 100 फोटो नहीं चाहिए, उसमें ज़्यादा चाहिए, 150 फोटो कर देते हैं और क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपका 150 फोटो से बन गया। तो ये बहुत ही ईजी है। अगर मान लेते हैं कोई शेप आपको एडिशनल ऐड करनी है, तब क्या करना है, इस सिचुएशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये आपका ऑप्शन खुलेगा, इस ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मोर लिखा हुआ था, इस मोर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे, आपके पास इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ये आपकी एक वेबसाइट ऑन कर देगा, उस वेबसाइट में आपको बहुत सारे शेप प्रोवाइड करेगा, जिसको हम लोग को क्लिक करके डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको लोड करेंगे। तो जैसे कि मेरी वेबसाइट अभी खुल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं खुल चुकी है, यहाँ पे इसने बहुत सारे शेप हम लोग को दिए हैं। आप ये वाला शेप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर नेट से भी कोई दूसरे टाइप के शेप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से मैं कोई शेप उठा लेता हूँ, ये एप्पल का शेप उठा लेते हैं, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो आपकी इमेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है सेव एज इमेज का, तो उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपसे पूछेगा सेव कहाँ पे करना है, ये मेरे से पूछ दिया, तो मैं इसको डेस्कटॉप का लोकेशन दे देता हूँ, जो कि एक्सेस करना ईजी हो जाता है, ये मैंने सेव कर दिया। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और अब मैं सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार ही। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर शेप का आ गया है, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा, अभी शो कर गया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसको यूज़ करना है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने उठाया, वापस से मैं शेप में गया, यहाँ पर जो लोड इमेज लिखा होता है लोड पे दबाया है मैंने, लोड दबाने के बाद आपसे छोटा सा डैशबोर्ड आ गया है, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा है लोकेशन देंगे आप उसको, डेस्कटॉप मैंने दिया, उसको आप नीचे करते ये वाला शेप था, इस पर क्लिक किया मैंने, ओपन कर दिया, तो मेरी शेप यहाँ पर आ गई, देख सकते हैं आप। इसको यहाँ पर डन जो बटन है उसको डन कर देंगे, ये मैंने डन कर दिया, ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्रिएट बटन दबाते हैं, ये मेरा 150 पिक्चर से क्रिएट किया मेरा ये बन गया। ये लंबा बनना है ना भाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे 12-18 का लंबा साइज़ दिया था, तो यहाँ पे मैं 18-12 कर देता, ये मैंने कर दिया 18 और इस साइड कर दिया मैंने 12, अभी ये ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का हो गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, मान लेते हैं आपका हो गया सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सेव, जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो आप अपना लोकेशन देंगे, लोकेशन देने के बाद आप उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपको नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। फाइल का जो फॉर्मेट है आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना PNG में भी कर सकते हैं इसको, और PSD में भी कर सकते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर आपके पास PSD फाइल आती है
तो आपके पास ज़्यादा मोर ऑप्शन हो जाते हैं कि आप फोटो में बहुत सारे इफेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप फोटोशॉप के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जेपीजी में भी, पीएनजी में भी। मैं जस्ट जेपीजी में कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी के लिए आपसे पूछेगा तो क्वालिटी 100% करके ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इमेज लोडिंग पर जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ ड्राइंग द कोलार्ज, तो आपका कोलार्ज यहाँ पे अभी सेव हो रहा है, अभी सेव हुआ नहीं है। तो जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका इमेज का जो रिजल्ट है वो खोल के दिखाऊंगा। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अभी के अभी लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस मेरा यहाँ पे सेव हो चुका, डन लिखा हुआ आ गया इधर देख सकते हैं रेड कलर में। तो इस कोलार्ज के सॉफ्टवेयर को मैं कर रहा हूँ मिनिमाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे आ गया है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज ओपन हो चुकी है, जो मैंने एप्पल का शेप दिया था वही शेप आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको जूम कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो की क्वालिटी में भी कोई अंतर नहीं आया, जो आपकी पूरी चीज़ का रेजोल्यूशन है वो भी बहुत बढ़िया है और आपकी सारी फोटो यहाँ पे इस टाइप से आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो थोड़ी सी चेंज हो जाए, जैसे एक फोटो के ऊपर जैसे दूसरी फोटो डली हुई है, जैसे ये घूम के रखी हुई है, जैसे कि तिरछी रखी हुई है, कोई उल्टी रखी हुई है, अगर इस चीज़ को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वापस चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ पर एक आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपका बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वाइट की जगह पे कोई भी कलर ले सकते हैं या तो फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि आपका जो पीछे का वाइट कलर है वो हट जाएगा, आपका सिर्फ कोलाज कोलाज जैसे कि पीएनजी फाइल होती है, अगर आपको पीएनजी सेव करना है तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है, तो आपका ये बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर आपको कोई बैकग्राउंड देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही आपसे कुछ पूछेगा क्या बैकग्राउंड आपको यहाँ पे देना है, तो आप अपने हिसाब से अपने कोई भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आपका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो। उसके बाद आगे यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्डर का ऑप्शन है, तो बॉर्डर के ऑप्शन पर भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर का बॉर्डर दिया जा रहा है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लैक कलर का बॉर्डर या कोई अलग टाइप का बॉर्डर का कलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर का साइज हो गया कि आपको कितना साइज का बॉर्डर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हिला रहा हूँ तो बॉर्डर चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका बॉर्डरिंग के लिए और बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे एडवांस में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत यूनिक ऑप्शन दिया गया है कि आपको अपनी फोटो को किस एंगल में रोटेशन ज़्यादा करना है, कितना कम करना है, ये उसके एंगल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे उसका शेडो हो गया कि आपको शेडो यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में कितना गिराना है, ये उसके लिए हो गया, या तो फिर नो शेडो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता कुछ ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आपकी सारी फोटो एक ही साइज़ की जाएगी वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर जो कोलाज के अंदर जा रही है, मान लेते हैं कि अगर 2x3 की जा रही है तो सारी फोटो 2x3 की ही रहेगी। अगर यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसको हटा देते हैं, तो आपकी सारी फोटो कोई बड़ी कोई छोटी ऐसे करके आएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी पे रहने ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपने गलती से कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया तो यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं और इसको यस कर सकते हैं, तो आपकी सेटिंग वापस से वही हो जाएगी जो कि कंपनी की सेटिंग होती है। तो गाइस बस इतना सा था इसका ऑप्शंस, मैंने आपको बता दिया। बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है और बहुत जेन्युइन सॉफ्टवेयर है और बहुत बढ़िया तरीके से ये आपका कोलाज का डिज़ाइन बनाता है बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के अंदर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि इन फ्यूचर में जो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरा सोशल मीडिया का ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप का ग्रुप, इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप मेरे से वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपकी प्रॉब्लम का शॉर्टकट मैं आपको उसी वक्त करके दूँ। और गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मिलेगा, आप उस चैनल पर भी विजिट करें। अगर आपको वहाँ की वीडियो भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करें और अपने यूज कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।